हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पर्शी और अभिलंब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6C, स्पर्शी और अभिलंब। वक्र कोई भी कर्व है हमारा, उसके किसी एक पॉइंट पर जब कोई लाइन प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल एक सीधी बात समझ लें कि जब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपके पास में कोई चूड़ी है और चूड़ी में या कोई ऊन का गुल्ला है, उसमें एक सलाई ऐसा करके डाल दीजिए अंदर, तो क्या करेगी वो? कम से कम दो बिंदुओं पर, जैसे करके आपने सलाई डाली, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है ना? या कोई एक चूड़ी है आपकी, उसके ऊपर आपने ऐसे करके रखी है कोई लाइन, तो वह कम से कम दो बिंदुओं पर, ठीक है ना? अब हम क्या करें, इस लाइन को खिसकाते हुए चले आए इसमें, ठीक है? तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही होगी। आप प्रयोग करके कैसे देख सकते हो, क्या करिए, चूड़ी ले लीजिए और उस पर जो है ऐसे करके पेन रखो और उसे खिसकाते चले जाओ, क्या होगा? ठीक, ऐसा समय आएगा कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी। तो इस सिचुएशन को, या ऐसे कहें इस लाइन को, हम इस वक्र की स्पर्श रेखा, ठीक है ना, कहलाएगी इस वक्र की यह स्पर्श रेखा, ठीक है? तो स्पर्श रेखा होने का प्रतिबंध क्या होगा कि उसे जो है एक बिंदु पर ही उस वक्र को छूना होगा, यानी कि एक से ज्यादा अगर बिंदुओं को टच कर रही है तो क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा। अब ये वाली रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद, क्रॉस सेक्शन लाइन, काटती हुई जा रही है उसको। लेकिन ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद। ये हमारी वाली लाइन कैसी होगी, ये होगी स्पर्श, क्यों? क्योंकि ये एक ही बिंदु को टच कर रही, ठीक है ना? अभिलंब किसे कहा जाएगा, यहीं पर समझ लेते हम। तो स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब होगा, यानी स्पर्शी पर जो परपेंडिकुलर डाला जाए, स्पर्शी और स्पर्श बिंदु पर जो लंब, स्पर्श बिंदु से जो लंब डाला गया वो क्या कहलाया, नॉर्मल, टेंजेंट। ये हमारी क्या है, टेंजेंट। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है ना? अभिलंब, हम क्या कहेंगे, अभिलंब, ठीक। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या बातें बताई मैंने। कोई वक्र है हमारा, उस वक्र पर जब एक बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है छूती हुई, तो वह स्पर्शी कहलाती है। उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, और उस बिंदु पर जब कोई लंब डाला जाए तो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब स्पर्शी जो है, स्पर्श रेखा जो है, वह एक्स अक्ष के साथ में जो कोण बनाएगी, है ना, इसे स्पर्श कोण कहा जाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्श कोण। फिर से समझ लीजिए, स्पर्शी एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष मतलब जो हमारी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, स्पर्श कोण कहलाएगा, ठीक है ना? अब एक बात और समझ लीजिए, इस लाइन को अगर नीचे की ओर हम बढ़ाते, ये 90 है तो ये वाली भी 90 हो, ठीक है ना? और ये एंगल जो हमारा बना, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना? ये वाला एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा, ठीक है?
नॉर्मल का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में वो कितना बचा, अगर हम इधर से मैंने चेक करें तो 90 प्लस थीटा क्योंकि पूरा 180 है, ये 90 माइनस थीटा इधर निकल गया, इधर कितना बचा 90 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए इस रिलेशन पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम टेंजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो आपने एक टॉपिक प्रवणता हाई स्कूल में पढ़ रखा है, स्पर्श रेखा जब आपने सरल रेखा पढ़ी थी, इसके बाद में फिर आपने फर्स्ट ईयर में भी सरल रेखा पढ़ी हुई है, तो आप प्रवणता ढाल स्लोप इन शब्दों से बहुत अच्छे से वाकिफ है। मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर, तो प्रवणता m बराबर था हमारा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को dy ओवर dx से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो क्या बात समझ में आई आपको कि एक कोई वक्र है, वक्र पर कोई एक बिंदु है P, जहां से ये कोई हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस, इस P पॉइंट से एक स्पर्शी खींची जा रही है, थीटा कोण बना रही है, इससे एक लंब डाला गया जो कि नॉर्मल यानी अभिलंब कहलाया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पीछे बढ़ा दें ऐसे करके, ये यहां पर मिल गया। ठीक, तो m बराबर क्या आया, प्रवणता dy ओवर dx, और m जो है वो tan थीटा के भी बराबर होगा। अब सरल रेखा का प्रवणता रूप समीकरण आप लोग जानते होंगे क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सरल रेखा का समीकरण पता है, ध्यान है, तो इस समीकरण से तो आप लोग परिचित है, क्या कहलाता है, प्रवणता रूप रेखा का समीकरण। ठीक है ना, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पर m की जगह पर हमें क्या रखना है, dy ओवर dx, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू dy ओवर dx एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन, मतलब डेरिवेटिव कहाँ था, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसे डिफरेंशिएट किया गया, और एक्स माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला बन गया सरल रेखा स्पर्शी का समीकरण। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे स्पर्शी का समीकरण। ऐसे ही कोई एक जनरल सवाल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, लगाएंगे क्या, स्पर्शी के सवाल बहुत ही सरल है, आपको ये समझ लो बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है, और ये अपना पर्टिकुलर मेथड है, उसे आप दिमाग में रखेंगे, सवालों में कतई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत इजीली लगते चले। देखिए एक क्वेश्चन आपको आता है, इस तरीके से प्रॉब्लम दी जाती है, वक्र y स्क्वायर बराबर 2x पर बिंदु 3,4 से ऊंची गई स्पर्शी का समीकरण ज्ञात। अब मैंने ऐसे ही कोई प्रॉब्लम ले ली सडनली, इस तरीके के सवाल होंगे आप, बाकी एक्सरसाइज पे जब चलेंगे तो एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे, मैंने जनरल लेकर ऐसे सवाल ले लिया, क्या दिया वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर बिंदु 3,4 से खींची गई स्पर्शी का समीकरण ज्ञात। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे, अब देखिए कितना आसान,
आपको क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी स्टेप्स, इसकी स्टेप्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, बस खत्म। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी इक्वेशन दिया गया आप उसको लिख दीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करा देंगे, तो वही पुरानी अपनी लाइन, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a डी ओवर डी एक्स एफ, क्या हुआ 2y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a और x का हो गया 1, 2 dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन y। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ठीक है, अब क्या करना है हमें, एट द पॉइंट करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एट पॉइंट 3, dy ओवर dx, यहां पर सफिक्स में 3, जहां पर x दिखेगा वहां 3 और जहां पर y दिखेगा वहां 4, तो इसमें x है ही नहीं, तो y है, वैल्यू रखती है, तो क्या आ गया a अपॉन, अब हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, अब हम लिखेंगे इस स्पर्शी का समीकरण, तो क्या था y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx एट x x1 y1 x माइनस x1। ठीक, लिख लिया। अब चलिए, तो x1 y1 क्या हो गए हमारे 3, 4, और dy ओवर dx की वैल्यू हो गई a अपॉन 2, ये सब उठाया और इसमें रख दिया, तो y माइनस 4 इक्वल टू ये वैल्यू a अपॉन 2 और x माइनस 3। ठीक है ना, इस 2 को उठाया इधर भेज दिया, तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a। अब सबको एक साइड लगा दो, काम खत्म हो गया, तो 2y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3a गया। अच्छा, बीच में देखो एक टॉपिक और है, इसमें दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना, ठीक है ना, इसको बताने के बाद ही एक्सरसाइज फिर शुरू होगी, तो हम साथी में आपको प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना और बता दे रहे हैं आर्टिकल, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो बीच में प्रॉब्लम आएगी आपकी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको ये बताना कि एक वक्र हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, एक वक्र हमारा इधर, ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु से एक स्पर्शी हमने खींच लिया, एक इधर से ऐसे करके प्रतिच्छेदन बिंदु से स्पर्शी, इन दोनों स्पर्शियां जो हैं ये हमारी अपवर्तक, ये हमारी, समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट पर जो इन्होंने काटा है ये हमें एंगल फाइंड करना, ठीक है ना, तो ये जो पहली स्पर्शी थी इसे हम एंगल दे दें साई वन और इसको एंगल दे दें साई टू, जो इच्छा है थीटा वन थीटा टू लिख लो, जो मर्जी आए वो लिख लो, जरूरी नहीं साई, दूसरा लिख के दे रहे हैं, क्या लिख रहे, ठीक है, इसे हम थीटा वन लिख के दे रहे हैं, इसे हम थीटा टू लिख के दे रहे हैं। अब एक बात देखिए कि ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो कितना हिस्सा जो बचा हमारा, ये कितना बचा, इतने की बात,
ये हमारा बचा 180 माइनस थीटा 2, ठीक है ना। अब थोड़ा नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट को पी कह लें, इसे ए कह लें और इसे बी, ठीक है ना। क्या हुआ, अब हम एंगल ए पी बी फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना, 180 माइनस थीटा 1 प्लस ये वाला 180 माइनस थीटा, क्या बच रहा है, 180 माइनस थीटा 1 माइनस 180 और प्लस थीटा 2। ये क्या क्या बचा, थीटा 2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना निकला, थीटा 2 माइनस थीटा। इसे चाहते तो हम एक प्रमेय भी है हमारे पास में, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि दो अंतः कोणों का योगफल एक बहिः कोण के बराबर होता है। आप उस थ्योरम को भी लगा करके डायरेक्ट लिख सकते थे, मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया, जैसी इच्छा वैसे ही, ये सीधा है। तो हमें यहां से एंगल मिल गया ये बार, ठीक है ना। अब हम एक काम करें, क्या करें यहां पर, कि इस कोण को कुछ कह दें, सपोज कर इसे अल्फा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा। यहां पर हम लिखें, माना दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण अल्फा है, इसलिए अल्फा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा। दोनों पक्षों में क्या करें, टेंजेंट ले दें, टेन अल्फा, टेन थीटा 2 माइनस। अब आप पूछेंगे टेंजेंट ही का लिया, साइन का नहीं ले लिया, कॉस ले लेते, टेन ही का लिया। तो भैया टेन इसलिए लिया क्योंकि हम प्रवणता के माध्यम से इसे लगाना चाह रहे हैं, और यहां पर क्या है कि हमारा एम वन जो है वो टेन थीटा 1 लिखा हुआ है और एम टू जो है वो टेन थीटा 2 लिखा हुआ है, तो रिलेशन टेन में ही मिलना है, इसलिए हमने यहां पर टेन ले लिया, ठीक है ना। तो टेन अल्फा इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला है हमारा क्या है, टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 1, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा। अब आप क्या कर सकते हो इसको, तो टेन इनवर्स इसे हम एम वन को एम टू माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस एम वन एम टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम थीटा 1 थीटा 2 किसे माने, किसे माने या इसे माने किसे माने, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा कंपलसेशन नहीं रहता, और यहाँ पर जो साइन यूज होता है वो डिफरेंस का साइन यूज होता है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम टू डिफरेंस एम वन अपॉन 1 प्लस एम वन एम टू, ये आपका आ गया एंगल का फॉर्मूला। थोड़ा सा रेस करूंगा, क्या है दो रिलेशन, पहली बात क्या है, अगर दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हो तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यदि दोनों वक्र
परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना? तो अगर समकोण क्या है, कट गया, तो क्या करना है हमें, यदि दोनों वक्र परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 90 अंश। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह पर 90 रख देंगे, 90। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम टू डिफरेंस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। उधर ले आए 1090, तो एम टू डिफरेंस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। 1090 मतलब इंफिनिट, चलिए हम पूरा ही करके दिखाते हैं। अब इंफिनिट को हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन जीरो, ये डिफरेंस का साइन बना देंगे, वन प्लस एम वन एम टू इधर उसको इधर, वन प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू जीरो, एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस। तो आपको रिलेशन क्या मिल गया कि दोनों इस पर दोनों वक्रों की इस पर की जो हमारी प्रवणताएं हैं उन प्रवणताओं का गुणनफल माइनस के बराबर होगा। दोनों वक्र अगर हमारे परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो कंडीशन हमें ये वाली लेनी है। एम वन को हम कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx एट द पॉइंट, यानी जो पहला फंक्शन हमारा है, ठीक है ना, उस पर एट पॉइंट, और जो दूसरा फंक्शन है हमारा उस पर एट पॉइंट इक्वल टू माइनस वन। इस टर्म की जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है जब सवालों में आप पहुंचेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर, अगर हमारे क्या हो, परस्पर समानांतर हो, तो यदि दोनों वक्र परस्पर समांतर हो, तो समांतर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो या फिर 180 लिखा हो, तो जीरो इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम टू डिफरेंस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, टेन जीरो इक्वल टू एम टू डिफरेंस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो एम टू डिफरेंस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये जीरो हो गया, तो एम टू डिफरेंस एम वन, ये एम वन इज इक्वल टू एम टू। तो अगर दोनों वक्रों की प्रवणताएं समान हैं, तो क्या होगा, वक्र परस्पर समानांतर अवश्य होंगे। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, जो आपका पहला फंक्शन दिया हुआ है उस पर एट पॉइंट निकाल दीजिए, और इसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है उस पर एट पॉइंट निकाल दीजिए, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, परस्पर समानांतर होंगे। तो आपको जो है दोनों डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 60 का पहला प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए हुए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ प्रवणता इसमें निकालनी है। चलिए, तो पहले में क्या दिया गया, वक्र क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, और बिंदु जो दिया गया है वो आपको दे रखा है 5, 4, ठीक है ना।
कैसे करना है, हमें सिर्फ प्रवणता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया सबसे पहला काम डिफरेंशिएट फॉरन नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू या dy होगा dx over dx x square minus 2x plus 5 2x minus 2 into 1 plus 0 dy over dx 2 common x minus, ठीक है ना। अब एट द पॉइंट, तो एट द पॉइंट x1 by 1 is equal to 5 comma 4, therefore m is equal to dy over dx at point x1 by 1। यहाँ पर क्या लिख देंगे, dy over dx 5 comma 4, m is equal to, ये तो है वैल्यू, 2x minus 1। अब यहाँ पर x की जगह पर कितना है 5, तुम यहाँ पर कितना रख देंगे 5, ठीक है ना। तो 2 into 4 यानी कि 8, ये आपकी आ गई प्रवणता। y square is equal to 6x, पॉइंट दे रखा है आपको 1 by 1 equal to 2 comma 3, ठीक है ना। कितना ही क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट ठीक विद रिस्पेक्ट टू f, d ओवर dx y स्क्वायर 6 d ओवर dx x 2y dy ओवर dx 6 1 dy ओवर dx 6 upon 2y। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो dy ओवर dx 3 upon 5, ठीक है। अब एट द पॉइंट क्या हो जाएगा, dy ओवर dx m इज इक्वल टू 3 कॉमा 4 नहीं सॉरी 2 कॉमा 3, ठीक है ना। इसकी जगह पर ये वैल्यू है 3 अपॉन y बाय d ओवर 3, कैंसिल m इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेम एज प्रॉब्लम 1c और 1d आपको स्वयं लगाने हैं dy s, उन्होंने कहा y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल, और पॉइंट दिया है x1 बाई 1 नहीं दिया इन्होंने, पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करना है। अब पहले बात को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में दिया क्या, इन्होंने बताया ये कोई कर्व है हमारा, और ये कर्व कब है जब x नॉट इक्वल टू 2 है, ये बात क्यों लिखी गई, ऐसे फालतू में कुछ नहीं लिखा जाता। मैं इसका मीन्स, इसका मतलब ये है कि जैसे ही साहब आप यहाँ पर 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, y इन्फिनिट हो जाएगा, और जब इन्फिनिट हो जाएगा तो फिर आप कहाँ रुकोगे, अब कर्व खींचना अगर शुरू करो तो जैसे ही हमारा इस तरीके से नंबर लाइन चल रही होगी, एक्स एक्सिस चल रही होगी हमारी, यहाँ 1 आएगा यहाँ 2 आएगा, जैसे ही 2 पे कर्व आएगा वैसे वाई कहाँ चला जाएगा, पता नहीं कहाँ, पता नहीं वो कहाँ जा रहा होगा। तो इसका हमें कुछ भी मान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये बता दिया गया कि यहाँ पे भैया कभी भी आप x इक्वल टू 2 नहीं रख सकते, तो अगर नहीं रखेंगे तो फंक्शन हमारा जैसा हो जाएगा, अगर रख देंगे तो ये इन्फिनिट कन्वर्ट हो जाएगा और हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये बात लिखी। बाकी और सब बातें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx,
माइनस टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ माइनस डी एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का होल ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू बहुत इजी, एक्स का वन जीरो माइनस एक्स माइनस वन वन माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर सॉल्व कर लें तो x माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, एट पॉइंट दो एक सिंगल पॉइंट दिया है, यहाँ पर भी x दिया, कोई टेंशन नहीं है, हम रख देते हैं इसको एट x इज इक्वल टू टेन m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट x इज इक्वल टू टेन तो माइनस वन अपॉन टेन माइनस टू का टेन माइनस टू का होल स्क्वायर क्या बचा यहाँ पर एट और एट एट जा सिक्सटी फोर ये हमारी प्रवणता निकल आई। आज आपने स्पर्शी और अभिलंब के बारे में जाना, क्या होती है स्पर्शी और क्या होता है हमारा अभिलंब, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल के जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको आज टेंजेंट का फॉर्मूला बताया और साथ ही साथ आपको मैंने जो है दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण को ज्ञात करने का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया, साथ ही एक्सरसाइज आज मैंने स्टार्ट की है। अब इस एक्सरसाइज का जो रेस्ट पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में, आप लोग जो है इसको फिर से एक बार पूरा फायदे से देख लीजिए, रिवाइज करिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, हर बार रिपीट करिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, मैं हर बार यही बात कहता हूँ, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए और मेरे साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। थैंक यू।